फ्रेंड्स, मैं दीप, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरा चैनल फील्डी नेचर में। आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया से होंगे और ठीक ठाक से होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज देखेंगे हम लोग कि बोगनविला पे कैसे ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो आप लोग फरवरी और अगस्त का महीना में ग्राफ्टिंग कर सकते हैं बोगनविला पे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे ग्राफ्टिंग किया जाता है। हम लोग इसमें दो कलर की ग्राफ्टिंग करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग कलर देख लेते हैं कौन सा लेंगे। तो इसके लिए कुछ कुछ सामान चाहिए होगा आपको, तो सामान यहाँ पे देख लीजिए, एक ग्राफ्टिंग नाइफ, एक कटर और एक सैनिटाइज़र होगा जो सैनिटाइज करेंगे हम लोग अपने टूल्स को, और कुछ प्लास्टिक चाहिए होगा इसको रैप करने के लिए, और एक रस्सी चाहिए होगी, इसको हम लोग सैनिटाइज कर लेंगे। तो हम लोगों ने अपने कटर को अच्छे से सैनिटाइज कर लिया है। तो यहाँ पे जो पौधा है ये हमारी रेड कलर की है, तो हम लोग इसमें पिंक और कुछ ऑरेंज कलर की दो कटिंग हम लोग इसमें ग्राफ्ट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो उसके हम लोग कटिंग ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक पिंक कलर की कटिंग है जिसमें फ्लावर हुआ था, लेकिन हम लोगों ने कट कर दिया है ताकि इसमें अच्छे सी ग्रोथ मिले। और जब भी आप ग्राफ्टिंग के लिए कटिंग ले तो आपको ध्यान रखना है ज़्यादा सॉफ्ट या फिर ज़्यादा हार्डवुड कटिंग नहीं लेना है, सेमी हार्डवुड कटिंग ले हर टाइम पे, ताकि उसमें सक्सेस रेट ज़्यादा मिल सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ग्रोथ भी चल रही है, ज़्यादा ग्रोथ के मतलब ज़्यादा अच्छे से ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल होगी। यहाँ पे जो एकदम टॉप की साइड दिख रही है आपको, इसको हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग ठीक इस जगह की कटिंग को यूज़ करने वाले हैं ताकि ये अच्छे से ग्राफ्टिंग हो पाए, क्योंकि ये सेमी हार्डवुड कटिंग है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ से कट कर लेते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग यहाँ से कट लगाने वाले हैं। पे एक कटिंग हम लोगों ने ले ली है और दूसरी वाली कटिंग भी हम लोग चलिए ले लेते हैं। तो यहाँ भी इस वाले कटिंग में बहुत ही अच्छे से ग्रोथ चल रही है फ्रेंड्स, आप लोग देख ही सकते हैं। तो इसका कलर मैं दिखा देता हूँ, ये एक ऑरेंज वैरायटी का बोगनविला है फ्रेंड्स, और काफ़ी अच्छा सा फ्लावर आता है इसमें। तो हम लोग इस वाले जो आप लोगों को नज़र आ रही है इस वाली जो कटिंग है, इस वाले जो ब्रांच है, इसको यहाँ से कट कर लेंगे, इसके दो नोट्स छोड़ देंगे हम लोग ताकि इसमें अच्छे से आगे ग्रोथ हो सके। तो चलिए इसको भी कट कर लेते हैं। लोगों ने इसको भी कट कर लिया है, तो देख ही सकते हैं काफ़ी बड़ा सा है, और ये एक सेमी हार्डवुड कटिंग है फ्रेंड्स। तो इसके जो टॉप की लेयर है इसको भी कट कर देंगे यहाँ से, और बाकी का हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो चलिए अभी ग्राफ्टिंग का काम शुरू करते हैं। तो चलिए अपना इस वाले प्लांट को हम लोग थोड़ा सा रेडी कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो मादर प्लांट होगी जिसमें हम लोग ग्राफ्ट करने वाले हैं वो कम से कम 2 से 2.5 साल की होना चाहिए, ताकि इसका रूट सिस्टम बहुत ही बढ़िया हो। तो यहाँ से इसको हम लोग कट कर लेंगे। अब इसके जितने सारे लीव्स हैं इसको भी हटा देंगे। तो टॉप में थोड़ा सा हम लोगों को फंगीसाइड लगा लेना है। अभी इस वाले ब्रांच के दोनों साइड पे हम लोग कट लगा लेंगे।
तो अभी हम लोगों ने जो सेवन लिया है इसके दोनों साइड पे हम लोग शार्प कट लगाएंगे ताकि वो अच्छे से फिट हो सके। और इस टाइप से फिट कर देना है काफ़ी अच्छे से। तो चलिए दूसरे वाले को भी रेडी कर लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं हम लोगों ने दोनों साइड इसको क्राफ्ट कर दिया है। अभी इसको अच्छे से टाई कर देंगे। आप चाहे तो ग्राफ्टिंग टेप का भी मदद ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे अपना एक ब्लैक टेप का मदद से इसको अच्छे से रैप कर देंगे ताकि इसमें पानी अंदर ना जाए। तो चलिए सेम प्रोसेस से बाकी के ब्रांचेस में भी ग्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो हम लोगों ने चारों ब्रांचेस में ग्राफ्टिंग कर दिया है। अभी हम लोग इसको रख देंगे रैप करके सेडी एरिया में, और इसके नीचे की जितने सारे लीव्स है आपको वो सारे लीव्स को हटा देना है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे भी लीव्स है तो इसको भी हटा देना है, इसको भी हटा देना है ताकि ये अच्छे से ग्रोथ कर पाए। तो ऐसे ही आप भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज का ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। इसी के साथ विदा लेते हैं, बाय फ्रेंड्स।